हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है आठ, आठ है ना कि सात है? अच्छा सात, डेट का पता नहीं चलता घर में रहके। तो आज है 7 जुलाई और आज हम लोग के लिए है बहुत इम्पोर्टेंट डे। अरे आज मेरी फ्रेंड का भी हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अर्चना, यदि ये व्लॉग देख रही हो तो। मेरी बेस्ट फ्रेंड का आज बर्थडे है, एकदम से याद आया डेट आज। और एक स्पेशल है ये कि आज हमारे यहाँ आने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हमारे यहाँ। तो अभी नहीं बताएंगे कि कौन आ रहा है, क्यों आशु, लेकिन बस कोई आने वाले हैं तो उनके लिए तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है। जो भी आने वाले हैं वो इस रूम में रुकेंगे, इनका हो जाएगा आज से ये रूम। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दे। आशु अभी तुरंत सो के उठी है, अंशु अभी सो रहा है और सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो फटाफट काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप ब्लॉग देखते जाओगे आपको पता चलते जाएगा कि आज कौन आने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, आई थिंक 3 या 4 साल के बाद आ रहे हैं हमारे यहाँ हमारे पास रहने के लिए। तो काफ़ी खुश है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। आशु अंशु से तो रहा ही नहीं जा रहा था, 2 दिन से परेशान है कब आज का दिन जाएगा, कब 7 जुलाई आएगा और शाम को आने वाले हैं, दिन में नहीं। लेकिन आंसू दिन भर में ना कभी बता ही देगी कि कौन आने वाला। मैं अभी सस्पेंस रख रही हूँ, नहीं बताओगे ना, बाद में बताएंगे तब तो मज़ा आएगा। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टाइप के वीडियोज़ या व्लॉग्स पसंद आएंगे या फिर आते हैं, तो उस तरह का काम मैं करने की कोशिश करूँगी। तो चलो मिलते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं अभी। आशु अपना हाउस भी क्लीन कर रही है। आप अपने हाउस में रहने की जगह बना रहे हो क्या? हाँ। सारी चीजों को नीचे करो। हाँ, और फिर टेबल को साफ करो। ये आशु का फेवरेट गेम है इसका हाउस। इस बार बर्थडे में क्या लेने वाली है आशु? इस बार भी आशु के लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, जैसे लास्ट ईयर ये आया था ना डॉल हाउस। कमरे की अच्छे से सफाई कर दो, मेरा जगह बना रही हूँ उनके हिसाब से सब। मीरा चाय, आज मैं बना रही हूँ आलू पराठे। मेरे यहाँ आलू पराठे 2 तरह के बनते हैं। ये आशु अंशु का है बिल्कुल प्लेन विदाउट मसाला वाला, मतलब इनको फ्राई वाला अच्छा नहीं लगता, हम लोग खाते हैं फ्राई वाला। फ्राई वाला एक खिला के देखो। देखती हूँ आपको मिर्ची लगती है। चलो फटाफट क्लास का टाइम हो रहा है अंशु। आज आशु अंशु का हो रहा है वन महोत्सव समापन, है ना आशु? क्या बना रहे हो? हेलो गाइस, तो अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और सुबह का सारा रूटीन वर्क जो होता है वो कंप्लीट हो गया है, सारे काम खत्म हो गए। आशु अंशु का क्लास भी खत्म हो गया है। मैं जा रही हूँ अपना एडिटिंग करने के लिए मेरे सेकंड चैनल के लिए। अभी जो जो अभी तक नहीं जानते या फिर नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप संगीताज कॉर्नर भी सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो उस पर रोज रेसिपी आती हैं, एक दिन शॉर्ट एक दिन लॉन्ग, तो जाके आप देख सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ उसके लिए एडिटिंग करने, मेरे पास 1.5 घंटा टाइम है इनके लंच से पहले। एडिटिंग ख़त्म करना है, उसके बाद फिर लंच के बाद मैं पोस्ट करूँगी और उसके बाद जिसको आना है वो आ जाएंगे। तो शाम का खाना वाना नाश्ता वास्ता सब बनाना होगा। और आंसू अंशू सुपर एक्साइटेड है, इनसे रहा नहीं जा रहा है, क्लास जैसे तैसे ख़त्म किया और हर बार पूछ रहे टाइम क्या हुआ है। और मोबाइल में वो उनको टाइम देखना आता है बट घड़ी में अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है देखने में। अच्छा, इनके घर कोई आने वाला है इसलिए मैम ने जल्दी छोड़ दिया, मतलब क्या हुआ? बहुत दिनों से बोर हो रहे थे, यानी लास्ट टाइम जब घर गए थे उसके बाद से दिसंबर से लेकर अभी तक पूरे घर पे ही हैं। कोविड के टाइम पे कभी कहीं नहीं जाना हो रहा, बल्कि ऐसा होता नहीं था, ना कोई आया था तो बहुत बोरिंग लग गया। तो इसलिए आशु अंशु ज्यादा एक्साइटेड हैं कि चलो कुछ चेंज हो जाएगा हम लोग के घर में, हम लोग के लाइफ में, और कल से तो सारा रूटीन सारा डिसिप्लिन ही चेंज हो जाएगा सर। तो चलो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद। मैं फटाफट अपने काम खत्म करती हूँ और आशु अंशु अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी आशु अंशु बस मस्ती करेंगे, थोड़ी सी फिर टीवी देखेंगे, उसके बाद लंच करेंगे। तो मिलते हैं फिर लंच के टाइम में, बाय। और यहाँ आशु अंशु का वर्क का टाइम हो गया है, ये कर रहे हैं वर्क और अभी बज रहे हैं 3। मेरा बस काम हो गया वीडियो का, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है तो बस फटाफट अपलोड कर लेते हैं, 4 बजे तक हो जाएगा मेरा काम ख़त्म। उसके बाद फिर शाम का खाना वाना का तैयारी करते हैं और कुछ कुछ काम है कपड़े वपड़े,
तो वो सब निपटा लेते हैं। तो बस थोड़े से टाइम बचे हुए हैं और आशु कितना एक्साइटेड है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आशु अंशु की एक्साइटमेंट लेवल, अरे लड़की तो पसीना पसीना हो गई है कूद कूद के। तेरे जल्दी आ जाएंगे। हम क्या हो गए 4:30 और बस आधा एक घंटा बचा हुआ, 1 घंटा और जा रहे हैं भाई साहब लेने के लिए। डबरा से क्रॉस कर गया तो मतलब अब पास में ही है। अरे पापा हिंदी दोगी। बस पहुंचने वाले हैं। ये तो पागल हो जाएगी खुशी के मारे। इसकी खुशी आंसू की यही है। कभी भी कोई भी घर में आता इतना ज्यादा खुश हो जाती है और जब कोई जाता है तो दुखी। रोना है, एक दिन पूरा रोते रहना है वापस जाने के बाद, चाहे कोई भी हो। कुकर को क्यों मैं यूज करती हूँ, ये जब भी मैं इसमें बनाती हूँ मेरा काम बहुत फैल जाता है। फिर से फैल गया। अब मैं यहीं पे खड़े इस कुकर में जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो मुझे पहरेदारी करने के लिए यहीं पे खड़े रहना पड़ता है। आज भी चली गई थी तो यहाँ पे दाल चावल सब्जी सब बन रहा है एक साथ। तो मैं खाना बनाती हूँ। आशु अंशु कूद कूद के मतलब डांस कर करके थक रहे हैं और एक लेने जा रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो चलो फटाफट खाना बना लेते हैं, काम खत्म कर लेते हैं। आ ही गई। चलो तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद जब सरप्राइज से खुलेगा पर्दा तब। मम्मा हो गई सारी तैयारी? हाँ बेटा हो गया। मैंने बस सब्जी बाकी है, दाल बना लिया मैंने और एक कुंदरू की सब्जी बना ली, चावल बन गया और एक सब्जी बन रही है आलू और परवल की। यहाँ आटा लगा रही हूँ, रोटी बनेगी बस। और मैंने ये ना काम ना 35-40 मिनट में कर लिए, जल्दी जल्दी मेरे पसीने देख लो क्योंकि मेरे अभी भी वीडियो का काम बाकी है, मैंने पूरा नहीं किया और वीडियो का कर रही थी इसलिए इधर लेट हो गया। लेकिन अभी बस फोन आया कि स्टेशन से वे लोग निकल चुके हैं। एक्साइटमेंट लेवल देखो, बालकनी में खड़े होके देख रहे हैं। बालकनी में देखने से आ जाएंगे क्या? आ गए हैं। कौन गाड़ी यहाँ लगी है? क्यों? वो बलम से कुछ ले रहे हैं, अंदर गए। किसको? दादाजी और पापा दोनों? हाँ। कहाँ? परम में गए हैं? हाँ। अच्छा नीचे रेस्टोरेंट है मतलब बेकरी शॉप है। अच्छा कुछ दादाजी कुछ लेने गए हैं? हाँ। क्या लेने? आंसू अंसू के लिए लालची बंदर और चॉकलेट नहीं लाए तो? नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिला परम में तो जरूरी है। अरे दादाजी आसन से ने बता दिया अभी बातों बातों में कि दादाजी आ गए। हो तो ठीक है क्लियर कर देते हैं। तो आज आ रहे हैं आशीषों के दादाजी यानी कि हमारे पापा जी और वो अभी नीचे बस पहुंच गए हैं। गाड़ी अपनी नीचे लगी हुई है और ये लोग नीचे गए हैं। नीचे हमारी दुकान नहीं, कोई बात नहीं, अब लोग वेलकम करेंगे ना अच्छे से घर पे। तो आंसू अंशू का एक्साइटमेंट लेवल देख सकते हैं। इस टाइम ना 5 बज रहे हैं और इतनी गर्म लू चल रही है बहुत, और लाइट में भी चली गई क्योंकि बस आंधी शुरू होने वाली। देखो मौसम खराब हो रहा है, बादल पूरे काले हो रहे हैं लेकिन हवा बहुत गर्म वाली चल रही है, खूब गर्मी है अभी यहाँ पे तो भयानक वाली गर्मी है ग्वालियर में। तो ये लोग दोनों यहाँ पे खड़े हैं, पैर भी चल रहे होंगे। बेटा अंदर चले जाओ। अब वो जब तक गाड़ी में बैठेंगे नहीं वहाँ से निकलेंगे नहीं जब तक ये अंदर नहीं आएंगे। और मैं भी तब से ये लगी हुई हूँ, ये काम कर लो। पता नहीं आशंशु लाइट आ गई ये काम कर पाऊंगे कि नहीं, ये काम पूरे हो पाएंगे इतनी। लेकिन फाइनली मेरे सारे काम हो गए हैं, मतलब खाना पूरा बन गया। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ कोई आता है तो स्पेशली हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं किसी के भी आने से। तो ये देखो ये तो आशु दिन भर ऐसे ही नाच रही है, ऐसे ही कूद रही है पूरे घर में। आप लोग में से कई लोगों को लग रहा होगा कि बस घर के सदस्य तो आ रहे हैं, इसमें इतना सारा एक्साइटमेंट, इतना सारा पूरे दिन से मतलब तैयारी करने की या फिर एक्स्ट्रा ये सब दिखाने की बोलने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आज जो दिन भर मैंने शूट किया है वो वही शूट किया है जो एक्चुअली हमारे घर में होता है जब कोई आने वाला होता है। तो और मैंने अभी जैसे बताया स्पेशली हमारे घर वाले मतलब हमारे पेरेंट्स या फिर बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जिसके पास जो चीज़ें नहीं होती है उसको उसका जो होता है वैल्यू ज़्यादा समझ में आता है। तो हम जैसे लोग जो कि जॉब के कारण बाहर रहते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं रह पाते नहीं रहते तो हम लोगों को काफ़ी फील होता है ये चीज़ कि काश हमारे साथ भी गार्जियन होते हैं हमको सही गलत बताने वाले, अच्छे खराब का
सजेशन देने वाले, तो काफ़ी मिस करते हैं। और जब वो आते हैं 2 साल 4 साल के बाद तो काफ़ी खुशी होता है, उतना उससे ज़्यादा खुशी होता है जितना कि हम लोग वहाँ जाते हैं। उनके पास जाना और उन लोगों को हमारे पास आना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत अलग बातें हैं। तो बहुत ज़्यादा इसीलिए खुश हैं। तो जिनको भी इस वीडियो से लगे कि ओवर एक्टिंग हो रहा है या फिर ओवर रिएक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। हम लोग इसलिए ओवर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं रहते हैं, हमारे पास नहीं होते हैं, सालों बाद हम उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं, तो इसलिए खुशी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अब दिखाते हैं, मिलाते हैं। मेरे पापा जी दुनिया के सबसे बेस्ट हैं, फादर इन लॉ, वो आज आ रहे हैं, हम लोग के साथ रहेंगे यहाँ पे, तो इस बात की बहुत खुशी है। आपको भी ज़रूर मिलाएंगे, उनसे बात करवाएंगे और आप बात करके फील करोगे कि वो कितने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो उनके बारे में जितना भी बोला जाए कम है। तो चलिए मिलाते हैं उनसे, आने ही वाले हैं, जस्ट कॉल बेल बजने ही वाला है अब। अच्छा ये है कॉइन मक्का, ये देखो माँ बाप का ना ऐसा ही होता है जान। देखो घर के प्याज हैं, इतने दूर से जा रहे तो खाली हाथ कैसे जाए, थोड़ा सा ये तो देखो घर के प्याज और ये घर के कॉर्न, इन लो माँ बाप का बस चले ना तो क्या ना करे अपने बच्चों के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे घर के प्याज हैं, ये बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ, अच्छे प्याज हैं। तो दादाजी को फुटबॉल खेलने आता है, तो आप कर लो। दादाजी का इंटरव्यू चालू है। तो चलो आप दादाजी को आराम करने दो, थक गए ना, कल से करना परेशान। बहुत बढ़िया, आराम अब करूंगी मैं परेशान, है ना।